हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी संवाद। फ्रेंड्स, मैं हूं रवि रोनित और आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टडी करने वाले हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, आखिर ये फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड है क्या, लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी किया है और आपने देखा है क्या कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, उनको 8 भागों में बांटा गया था और उन प्रत्येक भाग का जो स्टडी कहलाता था, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस न्यू एरा में, इस नए युग में, जितने जो बड़े बड़े ग्रामेरियन हैं, उन्होंने उन सारे वर्ड्स को 8 भागों में न बांट करके 2 भागों में बांट दिया है। यानी ये कहा जा सकता है कि अब के टाइम में इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, उन सारे वर्ड्स को 8 भागों में न बांट करके 2 भागों में बांटा गया है। और वही 2 भाग आपके जो आपको आज पढ़ना है, वो पहला वाला भाग है फॉर्म क्लासेज और दूसरा वाला भाग आपका है स्ट्रक्चर वर्ड्स। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर फॉर्म क्लासेज कहते किसको हैं। तो ध्यान देंगे, फॉर्म क्लासेज वैसे ग्रुप को कहेंगे, वर्ड्स का वैसा ग्रुप है फॉर्म क्लासेज, जिस इसमें इसके अंतर्गत वैसे वर्ड्स को रखा जाता है जिन पर एफिक्स का प्रभाव होता है। मैंने प्रीवियसली आपको पढ़ाया है कि एफिक्स क्या है और ये वर्ड को कैसे प्रभावित करता है। तो ध्यान देंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में वे सभी वर्ड्स जो एफिक्स के माध्यम से प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें फॉर्म क्लासेज के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान देंगे, जैसे वर्ड्स मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ फॉर्म क्लासेज के लिए। यहाँ पर फॉर्म क्लासेज आप देख पा रहे हैं, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे काउज, रन्स, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका होगा स्मॉलर, ब्यूटीफुली, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सब के सब फॉर्म क्लासेज के पार्ट्स हैं। अब ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि फॉर्म क्लासेज के पार्ट हैं कि ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, इसमें आप देख रहे हैं एस लगा हुआ है, एस ई आर लगा हुआ है, फुली लगा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं एफिक्स से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सभी वर्ड्स जो एफिक्स से प्रभावित हो जाएंगे, उन्हें फॉर्म क्लासेज के अंतर्गत रखा जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका कैटेगरी क्या है और फॉर्म क्लासेज के कितने भेद होते हैं। कि फॉर्म क्लासेज के 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से 4 भेद होते हैं फॉर्म क्लासेज के, वो समझते हैं। तो जो पहले नंबर पर आता है वो होता है आपका नाउन। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे बॉक्सेज, काउज, बॉयज एटसेट्रा। आप देख पा रहे हैं बॉक्स से बॉक्सेज या प्रभावित है शब्द, काउज से काउज, बॉय से बॉयज, ये सारे वर्ड्स जो हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जो नाउन है वो फॉर्म क्लासेज का पार्ट है। फॉर्म क्लासेज का जो दूसरा सेकंड जो पार्ट होता है, टाइप होता है, भेद होता है, वो होता है आपका भाव। जितने भी भाव से हैं जैसे रन्स, प्लेड, राइटिंग, जितने भी वर्ब्स हैं फ्रेंड्स, एटसेट्रा इत्यादि, ये सब के सब फॉर्म क्लासेज के पार्ट्स हैं। इसी तरह से थर्ड पार्ट इसका जो आता है वो आता है एडजेक्टिव। जितने भी एडजेक्टिव है वे सब के सब, जैसे स्मॉल से बनाया स्मॉलर, बिग से बिगर, एटसेट्रा, मीन्स सारे के सारे एडजेक्टिव्स जो हैं वो फॉर्म क्लासेज के पार्ट हैं। और फोर्थ एंड फाइनल जो इसका टाइप होता है वो होता है एडवर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण, जैसे ब्यूटीफुली, और इसके बाद ड्यूटीफुली एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने ये समझा होगा अच्छी तरह से कि फॉर्म क्लासेज क्या है और इसके कितने भेद होते हैं, कितने भाग होते हैं। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर स्ट्रक्चर वर्ड क्या है।